देवी और सज्जनों, जैसा कि हमने आपसे कार्यक्रम के आरंभ में बताया था, आज देश के बहुत सारे राज्यों से यहाँ पर ग्राम सेवक, उनके प्रतिनिधि और ऑफिसर्स मौजूद हैं। तो आइए, महाराष्ट्र राज्य के ग्राम सेवक को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। श्री अनिल बगाटे आज हमारे बीच मौजूद हैं। उनसे अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर आएँ और अपने विचार सभा के साथ साझा करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक छोटा सा विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ और इतने बड़े मंच पर मैं आया हूँ, तो इसके लिए मेरे मन में डर है पहले से ही। लेकिन जब ये काम स्टार्ट हुआ था, कल शेट्टी सर ने हम पे विश्वास किया, हम लोगों को सबको पहले बुलाया। हमें LIF PDI बाकी कुछ मालूम नहीं था उसके बारे में। तो वहाँ पर बुलाने के बाद जो LIF थे, वो LIF किस डिपार्टमेंट से वो मिलेंगे, इसके बारे में उन्होंने पूछा। इसलिए कुछ जो एक्सपर्ट्स है डिपार्टमेंट के, उनको भी बुलाए थे, जैसे मेडिकल ऑफिसर हो या दूसरे DRDA के हो। वो आने के बाद हर एक LIF या डाटा पॉइंट्स के बारे में, ये डाटा पॉइंट का सोर्स कौन से डिपार्टमेंट से किसके पास है मिलेगा, उसकी लिस्ट सबकी बना दी। वो लिस्ट बनाने के बाद, वो लिस्ट वो सेंट्रल कमिटी के सामने रखने के बाद, मैम ने, रघुनंदन मैम ने बोला कि हम लोग जब ये डाटा कलेक्शन करेंगे, एक सभी डाटा पॉइंट्स ग्राम पंचायत के पास से नहीं मिलेंगे, इसके लिए हर एक डिपार्टमेंट की हमें मदद ज़रूरी है। इसलिए जहाँ से डाटा सोर्स मिलेगा, वो वहाँ उस हिसाब से वो डिपार्टमेंट वाइज हो, LIF हमें अलग अलग करने, तो उसके हिसाब से डिपार्टमेंट वाइज सब डाटा पॉइंट जो LIF है अलग अलग कर दिए। जब ये सब अलग करने के बाद, डिपार्टमेंट वाइज करने के बाद, कुछ जो डाटा पॉइंट्स है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, वो डुप्लीकेट थे, उनको निकालने का काम स्टार्ट हो गया। सब निकालने के बाद हमें लगा कि हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन कलशेट्टी सर ने कहा कि ये पूरा काम हमें ही करना है। हमारे पास कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं थे, टेक्निकल पर्सन कोई नहीं था। तो अभी ये सब LIF फाइनल होने के बाद डाटा कलेक्शन कैसे करना है, तो इसके लिए यहाँ पे मीडियम क्या होगा कि वो डाटा कलेक्शन कैसे करें। अब सब, क्योंकि सोलापुर के मीरज तालुके से 14 GP थे, हवेली से, पूना के हवेली से 10 थे, सोलापुर का एक था, खंडाला सातारा के 5 थे, तो हर डिस्ट्रिक्ट से डाटा पॉइंट्स कलेक्ट कैसे करें। तो इसलिए गूगल फॉर्म तैयार करना, क्योंकि बाकी सॉफ्टवेयर वगैरह वैसे कुछ तो नहीं था वहाँ पे, तो गूगल फॉर्म किए। तो गूगल फॉर्म करने के लिए भी तो टेक्निकल पर्सन नहीं था, तो कलशेट्टी सर ने कहा कि जो भी करना है वो हमें करना है, जो हम लोग कर सकते हो अपना बेच देना है। इसलिए गूगल फॉर्म, मुझे थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज था, श्रीधर कुलकर्णी सर है उनको भी नॉलेज था, तो हमने गूगल फॉर्म तैयार किए। लेकिन उसके बारे में जितना भी हमें ज्ञान नहीं था, तो उसमें से 80% लगभग LIF ये ग्राम पंचायत से रिलेटेड थे। तो ग्राम पंचायत का अगर फॉर्म तैयार किया, तो वो बाद में 25 LIF बाकी थे उसमें सबमिट करना, तो वो करप्ट हो गया। उसमें 5 दिन रात काम कर रहा था, वो तैयार होने के बाद वो करप्ट हो गया। फिर बाद में उसको कुछ IT एक्सपर्ट को भेजा, तो मुझे लगा कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर से बाद में उसमें 5-10 दिन गए, उसमें 3 पार्ट्स किए, उसमें से ये दिख रहा है जो यमरजेंसी का है, वाटर सप्लाई, उसमें 3 पार्ट्स किए, और बाद में डाटा कलेक्शन पहले 100 GP का कर दिया। बाद में ऐसे लगा कि इतने सारे ग्राम पंचायत का डाटा कलेक्शन के बाद उसका सेग्रीगेशन का भी काम है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए 30 GP फाइनल किया, उनका डाटा कलेक्शन स्टार्ट हुआ। लेकिन डाटा कलेक्शन आने के बाद जो डाटा पॉइंट्स थे LIF थे, वो इंग्लिश में थे, और हमारे महाराष्ट्र में लोकल लैंग्वेज मराठी है, तो उसमें कुछ LIF जो है वो टेक्निकल लैंग्वेज में, इंग्लिश में टेक्निकल लैंग्वेज में थे, तो उसमें कुछ LIF में कन्फ्यूजन होने लगा। 2 मिनट में सर, मैडम। तो वो डाटा कलेक्शन स्टार्ट हो गया, तो उसमें जो सभी का डाटा पॉइंट्स आ गया, हर रोज उसका गूगल फॉर्म का कुछ ऑटोमेटिक रिपोर्ट तो जनरेट नहीं होता, हर रोज वो रिपोर्ट जनरेट करना, रघुनंदन मैडम और कलशेट्टी सर को भेजना, वो स्टार्ट हो गया। सब डाटा पॉइंट्स कलेक्ट हो गए, डाटा फाइनल हो गया, उसमें डाटा में उसमें कुछ ये करना, दुरुस्त करना था, वो भी हो गया। लेकिन यहाँ तक ये काम सब खत्म हो गया, सेग्रीगेशन हो गया, लेकिन आखिर तक जो 30 GP थे उनको कुछ मालूम नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है। लेकिन
कलचिप जी सर ने हमें 26 को इस ये वर्कशॉप से पहले 26 को परसों एक वर्कशॉप यशोदा में जो सभी ग्राम सेवक दे जिनके साथ हम लोग बात करें, जो स्टेट का कोऑर्डिनेशन का काम कलशेट जी सर ने मेरे पास दिया था, जो सभी ग्राम सेवक के साथ हम मैं बात कर रहा था उनका चेहरा नहीं देखा था कुछ नहीं, वो सभी को एक मंच पे बुला यशोदा में परसों वर्कशॉप हुआ। तो जब ये रिपोर्ट दी, ये जो रिपोर्ट है वो शॉर्ट रिपोर्ट हमें दिखाई, तब हमें लगा कि इतने एक 4-5 महीने से हम लोग जो काम कर रहे थे उतना उसका इतना सीरियस नहीं था, लेकिन जब वो देखा तो उसका सीरियसनेस के बारे में हमें पता चला। और सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ मेरी मराठी लैंग्वेज में, सर ग्राम पंचायतीचा विकास सुरुवात कुठून करावा आणि त्याचा शेवट कुठून जर करायचा असेल तर एलआयएफ हे खूप गरजेचं आहे, हे ग्रामसेवक म्हणून सांगतो सर। जय हमें हम लोग अभी से मैं खुद जीपीडीपी बनाता हूँ, पिछले ये 14 साल है, 14 फाइनेंस के भी बना रहा था, लेकिन हमें कौन सा काम लेना है उसमें कौन सा काम खत्म करना है हमें कुछ नहीं पता होता था, ग्राम पंचायत लेवल पे कुछ नहीं मालूम होता। लेकिन अगर ये एलआईएफ आ गए, पीडीआई का डाटा फाइनल हो गया, ठीक है उसमें कुछ एरर्स है वो ठीक किए जाएंगे, उसमें सॉफ्टवेयर आ जाएगा, लेकिन ग्राम पंचायत का काम अगर कहाँ से शुरू करना है कहाँ कभी खत्म करना है तो ये बहुत जरूरी है। और हमें ये यहाँ से एक दिशा मिले और हमें ये मंच उपलब्ध किया, इसलिए कलशेट्टी सर, जयश्री मैडम और अभी सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपना खत्म कर देता हूँ।